बाबा की अय्याशी की तस्वीर वायरल। वो रोती रही और बाबा रात भर लड़की को शराब पिलाकर करता रहा गंदा काम। और एक्सरसाइज करने की वजह से लड़कों की प्राइवेट पार्ट की कैसी बीमारी, अगर ये हो गई तो कभी भी बाप नहीं बन सकते। और ओला की स्कूटी में इतनी आग पकड़ रही है कि सरकार भी अब इस पर सोचने को मजबूर हो गई। और शादी करने के लिए लड़के ने बदला जेंडर, फिर धोखा मिलने पर क्या हुआ जानेंगे वीडियो में। और ये उल्लू सांप से करवाता है काम पर कैसे और क्यों होते हैं लड़कियों के कपड़ों में पॉकेट छोटे। और ये आदमी 100 से भी ज्यादा मर्डर करने के बाद बना यूट्यूबर। ये सब कुछ जानेंगे आप इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर वन, मध्य प्रदेश के रीवा के जाने माने बाबा सीताराम दास की रंगरलियां मनाने की खबरें सामने आई है। भगवा चोला पहनकर लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बाबा पर एक नाबालिग के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया, जहां बाबा ने जबरदस्ती एक नाबालिग बच्ची को शराब पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बाबा के मासूम चेहरे से पर्दा तब उठा जब इस बच्चे ने पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सारा मामला सर्किट हाउस में हुआ। बाबा के चेले इस बच्चे को एग्जाम में पास कराने का लालच देकर उठाकर ले गए और ठरकी बाबा के हवाले कर दिया। उसके बाद बच्ची को शराब पिलाकर बाबा ने उसके साथ ऐसी हरकत की। एक शख्स को इस मामले में गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी बाबा सीताराम भाग चुके हैं। नंबर टू, दोस्तों पेट्रोल के दाम जिस तरह से आसमान छू रहे हैं, कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में उतारना शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ओला सबसे ज्यादा पॉपुलर कंपनी मानी जाती है, लेकिन अपनी बाइक को बेस्ट बताने वाली ओला कंपनी के दावे झूठे साबित होते जा रहे हैं। पुणे का एक मामला सामने आया जिसमें ओला स्कूटर एक दुकान के बाहर सड़क पर खड़ा हुआ था और देखते ही देखते उस स्कूटर में धमाके के साथ आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि आपके ऊपर तक जाती हुई दिख रही थी। इस हादसे के बाद तो ये कहना उचित होगा कि ओला के स्कूटर सुरक्षित नहीं है। नंबर थ्री, दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, तब आप कहेंगे कि आप झाड़ू पोछा और साफ सफाई करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे जानवर के बारे में जो अपने घर की सफाई के लिए सांप को नौकरी पर रखता है? नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। स्क्रीच ओल उल्लू की एक प्रजाति होती है जो कि छोटे साइज के उल्लू होते हैं। ये उल्लू टेक्सास ब्लाइंड स्नेक नाम के छोटे से सांप को पकड़कर अपने घोंसले में छोड़ देता है और ये सांप उल्लू के घोंसले में रहने वाले उन सभी कीड़े मकोड़ों को खा लेता है जो कि उल्लू को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, जानवर भी सर्वेंट रखते हैं। नंबर फोर, अगर आप लड़के हैं तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। जब हमारे शरीर में कोई परेशानी होती है तब हम उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन अगर बीमारी हमारे प्राइवेट पार्ट से जुड़ी हो तब हमें थोड़ी झिझक होती है। लेकिन लड़कों के प्राइवेट पार्ट से जुड़ी एक बीमारी है टेस्टिक्यूलर टॉरिजन। इस बीमारी में मरीज की टेस्टिकल ट्विस्ट कर जाती है और ऐसी कंडीशन में अगर मरीज को 6 घंटे के भीतर ट्रीटमेंट नहीं मिले तो उसकी टेस्टिकल खराब हो जाती है। ये बीमारी ज्यादातर 12 से 18 साल के लड़कों में देखने को मिलती है। टेस्टिकल्स वो ऑर्गन है जो कि पुरुषों में स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं और अगर इन टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम होने लगे तब पुरुषों के लिए बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। नंबर फाइव, दोस्तों अब आपको बताते हैं एक प्रेम कहानी के बारे में जहां दो लोगों का प्यार परवान चढ़ा लेकिन बाद में एक ने दूसरे को धोखा दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये दोनों ही लोग लड़के थे। 3 साल पहले रवि और अर्जुन नाम के दो लड़कों को आपस में प्यार हो गया। जब दोनों ने शादी करने के बारे में सोची तब अर्जुन ने रवि के सामने शर्त रखी कि वो अपना जेंडर चेंज करवा कर लड़की बन जाए। अर्जुन के प्यार में पागल रवि इस बात को मानकर अपना जेंडर चेंज करवा कर रवि से रिया बन गया, लेकिन अर्जुन ने उसे धोखा दे दिया और अब उसे अपनाने को तैयार नहीं है। इसी बात की गुहार लगाते हुए रिया ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, साथ ही न्यूज चैनल पर भी अपनी प्रेम कहानी का दुख बांटती नजर आई है। नंबर सिक्स, दोस्तों आपने बहुत सुंदर सुंदर जीव देखे होंगे, लेकिन अब जो जीव हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप मोहित हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं मॉथ कैटरपिलर की। दिखने में किसी मीठी जेली जैसा ये कैटरपिलर बेहद ही सुंदर लगता है। ये जीव कोलंबिया, पनामा और यहाँ के आसपास के देशों में पाए जाते हैं। ये कीड़े देखने में इतने अच्छे लगते हैं कि आप इन्हें घर लाना चाहेंगे, लेकिन इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होता क्योंकि इन कीड़ों में हल्का सा जहर पाया जाता है जिससे कि बेहोशी या नशे जैसा महसूस हो सकता है। किसी पेड़ या पत्ती पर चलता हुआ ये कीड़ा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे डायमंड एक साथ चल रहे हों। नंबर सेवन, एक ऐसा सीरियल किलर जो कि अब यूट्यूबर बनकर पैसे कमा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि पेड्रो रोड्रिग्यूज फिलो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ 71 मर्डर करने का इल्जाम है, लेकिन ये संख्या 100 से भी ज्यादा हो सकती है। इस व्यक्ति का कहना है कि लोगों को मारने में इसे बहुत खुशी और सेटिस्फेक्शन मिलता था। 2007 में इसे जेल से छोड़ा गया, जिसके बाद इस व्यक्ति ने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया जिस पर इस व्यक्ति ने ऐसा दिखाया कि ये सिर्फ सीरियल किलर ही नहीं बल्कि इसके अंदर अच्छाइयां भी मौजूद हैं। साथ ही इसने पॉडकास्टिंग करके ये बताया कि वो सीरियल किलर कैसे बना। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि 71 मर्डर करने के बाद इस व्यक्ति को रिहाई कैसे मिल सकती है। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8, दोस्तों आपने भी शायद ये बात नोटिस की होगी कि लड़कियों के कपड़ों में पॉकेट नहीं होती है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है। पहले के जमाने में ऐसा होता था जब सिर्फ पुरुषों के लिए पॉकेट बनाई जाती थी, महिलाओं के कपड़ों में पॉकेट होती ही नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जब हमने तरक्की
लड़की और पुरुष और महिलाओं को एक बराबर समझा जाने लगा। तब महिलाओं के कपड़ों में भी पॉकेट दिए जाने लगे, लेकिन आज भी महिलाओं के कपड़ों में या तो पॉकेट होते ही नहीं है या फिर छोटे होते हैं। और इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर महिलाएं पॉकेट में ही सारा सामान रखने लगेंगी तो फिर ब्रांड के हैंड बैग और पर्स कौन खरीदेगा। यही कारण है कि महिलाओं के कपड़ों में पॉकेट या तो छोटे दिए जाते हैं या दिए ही नहीं जाते, ताकि महिलाएं सामान रखने के लिए अलग से हैंड बैग या पर्स खरीदे। क्यों दोस्तों, है ना कमाल की बात।